ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत पूरी करने के लिए वेश्या बन जाती है, पर वेश्या बनने के बाद वो किस हालतों से गुजरती है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पेप्रिका, जो 1991 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम मीमो नाम की एक लड़की को देखते है जो रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। उस लड़के का नाम नीनो होता है। जैसे ही वो दोनों मिलते हैं तब वो दोनों कुछ डिस्कस करने लगते हैं। उस पर मीमो बोलती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तब नीनो कहता है कि बस 15 दिन की तो बात है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मीमो अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती थी कि उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। नीनो को पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसलिए वो मीमो को कहता है कि तुम्हें 15 दिन तक एक क्लब में काम करना होगा और इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये कहकर नीनो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीमो एक ब्रोथल में जाती है जहाँ वो ब्रोथल की ओनर कॉलेट से मिलती है। कॉलेट उसे देखकर कहती है कि जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी बहुत सुंदर हो। तब मीमो कहती है कि मुझे ब्रोथल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर कॉलेट कहती है कि ब्रोथल का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 साल जितना बराबर होता है और धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। इसके बाद कॉलेट उसे उसका कमरा दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हें प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और तुम्हें क्लाइंट भी मिलेंगे, बदले में तुम्हें तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। इसके बाद कॉलेट मीमो को वहाँ की सारी लड़कियों से मिलवाती है और सबको कहती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना होगा। इसके बाद मीमो को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर मीमो को सारे कपड़े उतरवा देता है। जब डॉक्टर मीमो का चेकअप कर रहा होता है तब वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ये काम क्यों कर रही हो। तब मीमो बोलती है कि मैं ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और 15 दिन के बाद मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूंगी। अगले दिन कॉलेट मीमो को पेप्रिका नाम से सबको इंट्रोड्यूस कराती है और तभी उसे अपना पहला क्लाइंट मिल जाता है जिसका नाम फ्रेंको होता है, जो पेप्रिका को पहली नजर में देख कर ही उसे पसंद कर लेता है। फिर रूम में जब ये दोनों कर रहे थे तभी अचानक से पेप्रिका खुद को रोक लेती है। अब इस बात से नाराज होकर कॉलेट मीमो को वार्निंग देती है कि क्लाइंट को खुश करना तुम्हारा काम है और अगर तुमने दोबारा क्लाइंट को निराश किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तो इसलिए ऐसी बचकानी हरकत तुम दोबारा मत करना। अब मीमो इस बात का ध्यान रखते हुए 40 से ज्यादा लोगों के साथ सोती है जिसमें कुछ बूढ़े आदमी और कुछ लड़कियां भी होती है, पर इन सब में एक आदमी कॉमन भी होता है जो मीमो का पहला कस्टमर फ्रेंको था, क्योंकि उसे मीमो से प्यार हो गया था। एक दिन वो मीमो से कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो और मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें खुश भी रखूंगा। पर मीमो उसे मना कर देती है और कहती है कि बहुत जल्द मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आएगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर इसके बाद मीमो नीनो को कॉल करती है पर नीनो उसकी कॉल नहीं उठाता, इसलिए मीमो अपना मूड फ्रेश करने के लिए फ्रेंको के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चली जाती है जहाँ उसकी नज़र नीनो पर पड़ती है जो एक लड़की के साथ आया होता है। मीमो उसे देखकर उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम तो 15 दिन में आने वाले थे और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। तब वो लड़की कहती है कि तुम कौन हो। तब मीमो बोलती है कि मैं उसके फियांसे हूँ और बहुत जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है। इस पर वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि मैं नीनो के साथ पिछले 3 साल से हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो नीनो भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। अब ये सब देख के पेप्रिका का दिल टूट जाता है और वो फ्रेंको के पास जाकर रोने लगती है, तो फ्रेंको उसे सहारा देता है और घर जाकर ये पूरी रात इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह फ्रेंको मीमो से कहता है कि मैं जल्द ही एक कैप्टन बनने वाला हूँ तो क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। इस पर मीमो उसे मना कर देती है क्योंकि अभी अभी उसका दिल टूटा था, इसलिए वो फ्रेंको को कहती है कि मैं कुछ दिन और ब्रोथल में काम करना चाहती हूँ क्योंकि अब से मैं अपने लिए काम करूंगी, ना कि किसी और के लिए। मैं बहुत सारा पैसा कमाकर अपनी लाइफ खुशी से जीना चाहती हूँ। अगले दिन जब मीमो अपने क्लाइंट के साथ जाने वाली होती है तभी उसे मिलने वहाँ नीनो आता है और वो मीमो से कहता है कि अभी तक तुमने जितना भी पैसा कमाया उसमें से आधे पैसे तुम्हें मुझे देने होंगे क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। ये कहकर नीनो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीमो मैनेजर के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। तब मैनेजर उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब हम देख लेंगे।
इसके कुछ दिन बाद ब्रोथल में एक रोको नाम का आदमी आता है जो एक खूफो नाम की लड़की का मैनेजर होता है। खूफो ने उसे कई दिनों से पैसे नहीं दिए थे, इसलिए रोको उसे मारता है, धमकाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देखकर मीमो काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये काम नीनो ने किया तो मेरा क्या होगा। इसके बाद मीमो की एक फ्रेंड उसे बताती है कि तुम यहाँ से ये काम छोड़कर शहर चली जाओ और वहाँ जाकर क्लब में काम करना शुरू कर दो। मीमो जब दूसरे शहर जा रही होती है तब उसे ट्रेन में रोको मिलता है जो मीमो को पहचान लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मीमो कहती है कि वो दूसरे शहर जा रही है। इसके बाद रोको उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसके साथ एंटीमेट होता है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पूरी रात वो दोनों साथ में मजे करते हैं। अगली सुबह मीमो रोको को बताती है कि वो क्लब में इंटरव्यू देने जा रही है क्योंकि वो क्लब में काम करना चाहती है। रोको उसे कहता है कि जो तुम काम कर रही थी वो सबसे बेस्ट है और हम दोनों इसे काफी पैसे कमा सकते हैं। पर मीमो उसकी बात मानने से मना कर देती है और क्लब में इंटरव्यू देने जाती है, पर सारे क्लब वाले उसे मना कर देते हैं। दरअसल रोको सबको कॉल करके ये कह देता है कि मीमो को कोई भी काम नहीं देगा, इसलिए मीमो को कहीं भी काम नहीं मिलता और वो रोको के पास वापस आ जाती है और उसे मजबूरी में उसके साथ काम करना पड़ता है। वहीं एक दिन मीमो जब ब्रोथल में काम कर रही थी तब उसे अपना एक पड़ोसी वहाँ दिखाई देता है। वो आदमी पेपरिका को रूम में ले जाता है और उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ एंटीमेट होता है। तो मीमो एक दिन उसकी कंप्लेंट रोको से करती है तो रोको उस आदमी से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है। इसके बाद वो आदमी पेपरिका से नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों बाद ब्रोथल में एक लड़की की मौत हो जाती है जिसे देखकर पेपरिका बहुत ही डर जाती है और वो फैसला करती है कि वो ये काम छोड़कर किसी नाइट बार में काम करेगी और ये बात वो रोको को भी बताती है, पर रोको उसे मना कर देता है। अब यहाँ उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और तभी मीमो को पता चलता है कि रोको की वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ये सब ब्रोथर के ओनर को बताती है। ओनर उसे कहती है कि वो उसे कैसे भी करके बचा लेगी। फिर कुछ दिनों बाद हम पेपरिका को नाइट बार में किसी के साथ डांस करते देखते हैं। तभी वहाँ फ्रेंको आता है जिसे देखकर मीमो बहुत ही खुश हो जाती है और उसके साथ बीच पर चली जाती है जहाँ वो दोनों साथ में एंटीमेट होते हैं। इसी बीच फ्रेंको उसे बताता है कि उसे एक बोट खरीदनी है पर उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मीमो उसकी मदद करती है और अपने पैसे उसे दे देती है। अब मीमो के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वो फिर से ब्रोथल में काम करने लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि फ्रेंको की बोट को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब ऐसे ही वो कुछ दिन ब्रोथल में काम करती है। फिर एक दिन एक अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर ब्रोथल में आता है और वो लड़का पेपरिका को पसंद करता है और दोनों साथ में मौज करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम उस अमीर आदमी की बर्थडे पार्टी को देखते हैं जहां उसने पेपरिका को भी इनवाइट किया था क्योंकि उसके बेटे ने पेपरिका की बहुत ही तारीफ की थी। इसके बाद वो अमीर आदमी भी पेपरिका के साथ रातें रंगीन करता है और उसे भी पेपरिका बहुत ही पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उस आदमी की मौत हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पेपरिका को मिल जाता है। इसके बाद वो फ्रेंको के लिए एक बोट खरीदती है और उसे गिफ्ट में दे देती है और साथ ही वो उसे शादी कर लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।